नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देवास्ता सीक्रेट्स में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको हिंदू धर्म से जुड़े कई ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व वाले तीर्थ स्थानों के बारे में बताते हैं, वे उनसे जुड़े कई ऐसे किस्से भी आपको बताते हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो आइए जानते हैं ऐसे ही एक और विश्व प्रसिद्ध स्थान के बारे में। आज हम आपको बताएंगे मथुरा वृंदावन में स्थित निधिवन के इतिहास और इससे जुड़े कई अनसुलझे रहस्य और चमत्कारों के बारे में, जिन्हें सुनकर निश्चित ही आप हैरत में पड़ जाएंगे। इस जगह के बारे में बहुत लोगों को पता है, परंतु इसके बारे में बहुत कम लोग ही बात करते हैं। आखिर इसके पीछे कौन सी ऐसी वजह है कि क्यों हर कोई इस दिव्य स्थान के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करता? इस वीडियो में हम निधिवन से जुड़े सभी रहस्यों से आज पर्दा उठाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में कई ऐसे स्थान हैं जो अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। उन्हीं में से एक है मथुरा वृंदावन में मौजूद निधिवन। निधिवन एक अत्यंत पवित्र, रहस्यमयी और धार्मिक स्थान है। वह ऐसी मान्यता है कि आज भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी और अन्य गोपियों के संग यहाँ रास रचाते हैं। निधिवन में तुलसी के वृक्ष हैं जो बिना जल स्रोत के साल के सभी दिन हरे भरे रहते हैं, और हर वृक्ष की डालियाँ ऊपर की बजाय नीचे की तरफ बढ़ती हैं और एक दूसरे में ऐसे लिपटी हुई हैं मानो श्री कृष्ण और गोपियाँ एक दूसरे का हाथ पकड़ नृत्य कर रहे हों। अर्धरात्रि को रास रचाने के बाद भगवान श्री कृष्ण व राधा रानी निधिवन परिसर में ही स्थापित रंग महल में शयन करते हैं। इसीलिए रंग महल में आज भी प्रसाद के रूप में माखन मिश्री यहाँ प्रतिदिन रखा जाता है। भगवान के शयन हेतु पलंग लगाया जाता है। सुबह बिस्तर को देखने से प्रतीत होता है कि निश्चित ही किसी ने यहाँ रात्रि विश्राम किया है और इसके साथ साथ प्रसाद भी ग्रहण किया है। लगभग 2.5 एकड़ क्षेत्रफल में फैले निधिवन के वृक्षों की खासियत यह है कि इनमें से किसी भी वृक्ष के तने सीधे नहीं हैं तथा इन वृक्षों की डालियाँ नीचे की ओर झुकी हुई और आपस में गुथी हुई प्रतीत होती हैं। निधिवन परिसर में ही संगीत सम्राट स्वामी हरिदास जी की जीवित समाधि है। इसके अलावा रंग महल, बांके बिहारी जी का प्राकट्य स्थल, राधा रानी वंशी चोर आदि दर्शनीय स्थान हैं। स्थानीय लोगों और खबरों के अनुसार निधिवन में प्रतिदिन रात्रि में होने वाली श्री कृष्ण की रासलीला को आज तक जिसने भी छुप कर देखने की कोशिश की या चोरी छुपे रात को निधिवन में रुका, वो व्यक्ति या तो अंधा, गूंगा, बहरा या फिर पागल हो गया। लोगों के अनुसार ऐसा इसलिए हुआ ताकि वह व्यक्ति इस रासलीला के बारे में किसी को बता न सके। मंदिर के आसपास जिन घरों की खिड़कियां दरवाजे निधिवन की तरफ हैं वो भी शाम के समय बंद कर दिए जाते हैं और कोई भी घर की छत पर नहीं चढ़ता और भूल कर भी लोग इस तरफ नहीं देखते। इसलिए शाम की आरती के बाद निधिवन में कोई व्यक्ति नहीं रुकता और रात 8 बजे के बाद पशु पक्षी व परिसर में दिन भर दिखाई देने वाले बंदर सभी यहाँ से खुद ब खुद चले जाते हैं तथा परिसर के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार निधिवन में आज तक जो कोई भी रुका है वो संसारिक बंधन से मुक्त हो गया, और जो मुक्त हो गए हैं उनकी समाधियां परिसर में ही बनी हुई हैं। मान्यता है कि निधिवन में जो 16,000 तुलसी वृक्ष आपस में गुते हुए हैं वही रात में श्री कृष्ण की 16,000 रानियाँ बनकर उनके साथ रास रचाती हैं। रास के बाद श्री राधा और कृष्ण परिसर के ही रंग महल में विश्राम करते हैं। सुबह 5:30 बजे रंग महल का पट खुलने पर उनके लिए रखी गई दातुन गीली मिलती है, पान चबाया हुआ होता है और अन्य सामान भी बिखरा हुआ मिलता है, जैसे कि रात को कोई पलंग पर विश्राम करके गया हो। भक्तों के अनुसार निधिवन प्रांगण में प्रवेश करते ही उन्हें असीम शांति का एहसास होता है तथा वो ईश्वरीय शक्ति को भी भली भांति महसूस करते हैं और भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी के प्रेम के अप्रत्यक्ष रूप से साक्षी बनते हैं। तो ये थी प्रसिद्ध निधिवन से जुड़ी कुछ अहम किस्से और कहानियाँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, वे अपनी राय हमें अवश्य दें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए देवास्ता सीक्रेट्स। नमस्कार।